हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद शुभम में स्वागत है। जो फ्रेंड्स आज की वीडियो है, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जो आपका मार्च मंथ है, मार्च मंथ के जो करंट अफेयर है, फुल मंथ की हम जो करेंगे कवर करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैंने वही करंट अफेयर के नोट्स बनाए हैं जो कि मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट से जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए जितने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो करंट अफेयर के नोट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो बिना समय बर्बाद करते हुए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु राजस्थान से आरंभ किए गए अभियान का क्या नाम दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इस क्वेश्चन के तीन से चार जो क्वेश्चन बनते हैं तो वो क्या है, सबसे पहली बात तो जो लोकसभा के स्पीकर है हाल ही में कौन है, तो आपके ओम बिरला आपके हाल ही में लोकसभा के स्पीकर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि जो अभियान स्टार्ट किया है उस अभियान को क्या नाम दिया गया है, तो वो उस अभियान को क्या नाम दिया गया है, उस अभियान को नाम दिया गया है सुपोषित माँ अभियान। तो अगर एक क्वेश्चन ये बन गया है कि कौन किस अभियान का क्या नाम है, तो अभियान का नाम है सुपोषित माँ अभियान। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस अभियान का जो है उद्देश्य है किसके लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है, तो ये रहने वाला है आपकी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके पोषण हेतु इस अभियान को लॉन्च किया गया है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये अभियान किस राज्य से स्टार्ट किया गया है, तो ये आपका राजस्थान से स्टार्ट किया गया है। तो आपके देख लिए एक क्वेश्चन से आपके कितने सारे क्वेश्चन बन गए, तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इस क्वेश्चन में मैंने सभी क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। एक बार फिर से आप उसको ध्यान से पढ़िए कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु राजस्थान से आरंभ किए गए अभियान का क्या नाम दिया, कहाँ से स्टार्ट किया गया है, ये किया गया है राजस्थान, राजस्थान में कहाँ से किया गया है, तो राजस्थान के कोटा से इस अभियान को स्टार्ट किया गया है जो कि गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु किसने किया है स्टार्ट, लोकसभा जो स्पीकर है आपके ओम बिरला ने। तो अभियान का नाम भी आपने याद रखना, अभियान का नाम है आपका सुपोषित माँ अभियान। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, रेस्टोरेंट ऑन व्हील किस भारतीय रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों और आम लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। रेस्टोरेंट ऑन व्हील किस भारतीय रेलवे स्टेशन द्वारा, तो अगर आपसे रेलवे स्टेशन का नाम पूछा गया है तो रेलवे स्टेशन का नाम है आपके पास आसनसोल रेलवे स्टेशन, तो आप इसको देख सकते हैं आसनसोल रेलवे स्टेशन से अभियान शुरू किया गया है। और ये रेलवे स्टेशन कहाँ है, अगर इसकी बात की जाए तो ये ईस्टर्न रेलवे में आता है जो कि कहाँ है आपका वेस्ट बंगाल में। किसने स्टार्ट किया है, तो ये किया है आपके इंडियन रेलवे द्वारा, तो ये भी आप इसको याद रखेंगे। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, किस दिन विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। शून्य भेदभाव दिवस किस दिन मनाया गया, सॉरी मुझे गलती से वर्ष निकल गया, तो विश्व भर में जो शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया, ये आपका 1 मार्च को अपनाया गया। अगर हम बात करें इंग्लिश में कहेंगे इसको जीरो डिस्क्रिमिनेशनल डे, तो जो जीरो डिस्क्रिमिनेशनल डे है वो कब मनाया गया आपके 1 मार्च को। इसके अलावा जो इसकी थीम की बात कर लेते हैं, इसकी जो इस बार की थीम रही है तो ये रही है आपकी चैलेंज द डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी फेस्ड बाय वोमेन एंड गर्ल। तो ये आप देख सकते हैं क्या थीम है आपकी, चैलेंज द डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी फेस्ड बाय वोमेन एंड गर्ल, तो ये आपकी 2020 की थीम रहेगी। कब ये मनाया गया, तो ये मनाया गया आपके 1 मार्च 2020 को। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है। जो विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 3 मार्च को। और किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका जो यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली है उसके द्वारा मनाया जाता है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जो इस वर्ष की थीम देख लेते हैं। इस वर्ष की क्या थीम है आप, इस वर्ष की जो थीम रही है वो रही है आपकी 2020 की वर्ल्ड जो आपका है वर्ल्ड लाइफ डे की थीम 2020 की ये रही है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। तो आपने ये भी याद रखना है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, जो इस बार की वर्ल्ड लाइफ डे की थीम रही है 2020 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का विजेता रहा है। तो कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का विजेता रहा है, तो ये आपकी जो पंजाब यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो कौन सी यूनिवर्सिटी विजेता रही है, तो वो रही है आपकी
पंजाब यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किस राष्ट्रीय अभयारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो इको सेंसिटिव जोन हाल ही में किसको घोषित किया गया है, तो आपका जो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है इसे आपका क्या है, राष्ट्रीय इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। कब किया गया है, ये अभी 2020 में, मार्च 2020 में किया गया है। अगर बात की जाए जो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जो आपके घड़ियाल है, घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जो गंगा डॉल्फिन है वो भी यहाँ पाई जाती है, उनका संरक्षण भी किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ये किस स्टेट से है, किस स्टेट में आता है ये राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, तो ये आता है आपका मध्य प्रदेश में, तो आप इसको भी याद करके चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक उत्सव का आयोजन किया गया है। तो जो किस नाम से एक आयोजन किया गया है, केंद्र सरकार द्वारा किया गया है दिव्यांग कारीगरों और उद्यमों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, तो उसका नाम है आपका एकम उत्सव। कोरोना वायरस के कारण केंद्र सरकार ने विटामिन B2, विटामिन B1, B12 और पैरासीटामोल सहित कितनी तरह की दवाइयों को एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। तो आपकी आपको पता है कोरोना वायरस चला है आजकल, तो जिसके कारण कि पूरे देश भर में लॉकडाउन किया गया है, तो इसके कारण क्या है कि केंद्र सरकार ने B1 और B2 यानी जो आपकी जो विटामिन बी है वो किसके लिए है, बेरी रोग के लिए है, ठीक है। तो और उसके अलावा पैरासीटामोल सहित कितनी तरह की दवाइयों के एक्सपोर्ट पर आपके क्या है प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये कितनी दवाइयों को इसमें शामिल किया गया है, तो इसमें किया गया आपके टोटल 26 दवाइयों को शामिल किया गया है जिनके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के लिए कितने स्थानों को नामित किया गया है। तो 2020 में जो विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए भारत के जो दो स्थलों को नामित किया गया, पहला है आपका धोलावीरा और दूसरा है आपका दक्कन। धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा आपका कहाँ है, धोलावीरा आपका गुजरात में है, ठीक है। तो आपने इसको याद रखना है, धोलावीरा कहाँ आता है आपका, गुजरात में आता है। इसके अलावा जो आपका दक्कन है, दक्कन क्या है, दक्कन एक पूरा पठार है। पहले धोलावीरा की बात कर लेते हैं, जो धोलावीरा है आपका ये एक प्रसिद्ध पौराणिक स्थल है जो कि आपका इंडस वैली यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता और जो आपकी इंडस सभ्यता से रिलेटेड है, सिविलाइजेशन से रिलेटेड है आपका ये स्थल। तो इस कारण इसको क्या है, विश्व धरोहर सूची में भारत सरकार द्वारा 2020 के लिए नामित किया गया है। इसके अलावा बात करें जो आपका दक्कन का पठार है, तो जो दक्कन का पठार है उसे भी इसके साथ ही नामित किया गया है। तो जो दक्कन का पठार है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, जो दक्कन का पठार है वो भारत का विशालतम पठार है और इसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करिए कितने राज्यों में फैला है, तो दक्कन का पठार आपका 8 राज्यों में फैला है। और इसके अलावा जो दक्षिण भारत का जो प्रमुख भूभाग है वो किस पर स्थित है, ये भी आपका दक्षिण का जो भारत है वो किस पर स्थित है, दक्कन के पठार पर आपका स्थित है। इसके अलावा अगर इसकी भौगोलिक संरचना की बात करें, तो जो दक्कन का पठार है इसकी जो आकृति है वो आपकी इसकी त्रिभुजाकार आकृति का है आपका दक्कन का पठार। इस पठार की जो उत्तरी सीमा है वो सतपुड़ा और विंध्याचल चल पर्वतमालाओं से, और उसी तरह जो आपकी पूर्वी और पश्चिमी सीमा है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है। तो आपने याद रखना है जो दक्कन का पठार है वो भारत का क्या है, विशालतम पठार है। और इसकी आकृति याद रखना आपने, किस तरह की आकृति है, इसकी त्रिभुजाकार आकृति है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता दूं, थोड़ी वीडियो ये लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो वीडियो में जितने भी आपके जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो आपके एक्स्ट्रा पेपर बन सकते थे तो हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के चलेंगे। तो आपने बस क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। BCCI की सलाहकार समिति ने हाल ही में किसे इंडिया का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है। तो मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया, ये किया गया आपके सुनील जोशी को। इसके अलावा अगर बात करें BCCI की, तो BCCI के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में, तो वो है आपके इमेज में देख सकते हैं, तो आपके कौन से, सौरव गांगुली आपके जो BCCI के करंट में आपके जो अध्यक्ष हैं। चलिए जी इसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा देश विश्व में निशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा देने वाला पहला देश बन गया है। जो कौन सा पहला देश है निशुल्क पर सार्वजनिक परिवहन सुविधा देने वाला, जो पहला देश है विश्व में वो कौन सा बन गया है, ये बन गया है आपका लग्जमबर्ग। तो आपने ये याद रखना, ये पहली जिसमें ये लग जाता है आपका जो पहला देश है, पहली महिला,
पहला जो जिसमें भी फर्स्ट शब्द लग जाता है किसी भी चीज़ में वो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आपने याद रखना है जो आपका विश्व का पहला सार्वजनिक परिवहन को फ्री देने वाला कौन सा देश बन गया है, तो ये बन गया है आपका लग्जमबर्ग। अगर बात करें तो लग्जमबर्ग कहाँ है तो उसके लोकेशन देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आपको जो मैप रीडिंग भी याद हो जाए। तो ये आपका मैप है, तो इसमें देखेंगे यूरोप, ये यूरोप का मैप है आपका। तो यूरोप में देखेंगे आप लग्जमबर्ग, यहाँ आपको एक सिटी दिख रही है आपको, ये है आपका लग्जमबर्ग जो कहाँ है आपका, जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में आता है ये, तो ये है आपका लग्जमबर्ग। इसने आपके देखिए विश्व में पूरी पूरे विश्व में पहला देश बन गया है जिसने सार्वजनिक परिवहन को क्या है आपका निःशुल्क प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी पीके बनर्जी का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो वो किस खेल से संबंधित थे, ये आपके फुटबॉल से संबंधित थे। फ्रेंड्स जो यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है आपसे, ये भी पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित थे, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। और साथ ही में ये भी पूछा जा सकता है कि किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का हाल ही में निधन हुआ है, तो किसका हुआ है, ये आपका पीके बनर्जी का निधन हुआ है। ये है इमेज, ये है आपकी पीके बनर्जी। अगर इसके अलावा इनकी अदर देखें, इनकी इनका जो पूरा नाम है, पूरे नाम की बात की तो इनका पूरा नाम है प्रदीप कुमार बनर्जी। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो जन्म हुआ था इनका 23 जून 1936 को। इसके अलावा जो इनकी डेथ हुई है अभी मार्च में 20 मार्च 2020 को, तो ये 83 वर्ष के थे, तो इनकी अभी हाल ही में मौत हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये फुटबॉल में कहाँ पे इनकी पोजीशन थी, तो ये क्या थी आपके, ये एक आपके स्ट्राइकर थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के प्रस्ताव से अलग हो गया है? तो हाल ही में कौन सा देश जो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के प्रस्ताव से अलग हो गया है, तो वो है आपका श्रीलंका। तो श्रीलंका क्या है आपका, जो संयुक्त राष्ट्र मानव परिषद जो अधिकार परिषद है उसके द्वारा प्रस्ताव से अलग हो गया है, इस संगठन से इसने क्या है अपने को अलग कर लिया है। अब देख लेते हैं श्रीलंका जो है मैप में कहाँ है, तो आप देखेंगे अभी, तो ये है आपका अपना प्यारा भारत। तो देखिए जो श्रीलंका है, श्रीलंका कहाँ आता है आपका, श्रीलंका भारत के बिल्कुल नीचे तमिलनाडु में, यहाँ पे एक जो ये बूंद एक पानी की बूंद की तरह दिखाई देता है, तो ये है आपका श्रीलंका। 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, जो आपका 11वां राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र सम्मेलन आयोजित किया गया ये कहाँ किया गया आपका, नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया है, इसका जो आयोजन किया गया है ये किया गया आपका जो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र है उसके द्वारा किया गया। अगर इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में इसको कहेंगे हम ICAR, यानी कि द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसके द्वारा अभी हाल ही में जो इसका 11वां सम्मेलन किया गया है वो कहाँ किया गया है ऑर्गेनाइज, ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पास, किस एयरलाइंस ने देश में पहला ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो किस एयरलाइंस ने किया गया है, तो ये किया है आपका जो इंडिगो एयरलाइंस है, इंडिगो एयरलाइंस ने आपका जो है देश का पहला ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो किसके साथ मिलके किया है, तो ये किया है आपका जो HDFC बैंक है, HDFC बैंक के साथ मिलकर इसने लॉन्च किया है ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को। ठीक है, तो इसका इस तरह क्या है, जो इंडियन एयरलाइंस है पहली एयरलाइंस बन गई है, इंडिगो एयरलाइंस पहली एयरलाइंस बन गई है जिसने कि इस तरह का कोई कार्ड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कमर्शियल LNG बस को लॉन्च किया गया है, तो हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली कमर्शियल LNG बस को लॉन्च किया है, तो ये किया है आपकी केरल सरकार ने। केरल में कहाँ से किया है, ये किया है आपके केरल के कोच्चि से LNG बस को लॉन्च किया है। अगर बात की जाए LNG की फुल फॉर्म क्या होती है, LNG की फुल फॉर्म है आपकी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करवाएगी, जो आपका जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है वो कौन सी कंपनी निर्माण करवाएंगी, वो करवाएंगी आपकी L&T, तो ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा जो आपका जो सरदार पटेल की जो मूर्ति बनी थी उसका निर्माण भी किस कंपनी ने किया था, तो उसके निर्माणकर्ता है L&T कंपनी ही थी, तो ये भी आपने याद रखना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कहाँ की गई है, जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कहाँ हुई है, तो ये हुई है आपकी ऋषिकेश में, कितने से कितने मार्च, 1 से 7 मार्च तक ये इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो ये कहाँ हुई है, ऋषिकेश में हुई है, तो
तो इतना आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जम्मू कश्मीर के सिटी चौक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो जो जम्मू कश्मीर का सिटी चौक है, पहले इसी के सिटी चौक के नाम से जाना जाता था, अब जो इसका नाम रखा गया है वो रखा गया है भारत माता चौक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है वो कब मनाया जाता है आपका, नेशनल सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 4 मार्च को। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं जो इस बार कौन सा एडिशन, जो कौन सी बार मनाया गया है, तो 49th नंबर का था, नेशनल सेफ्टी डे मनाया गया है। ये कब मनाया गया, ये 4 मार्च 2020 को। जो इस बार की थीम है, इस बार की थीम थी आपकी इनहेंस हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस बाय यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इनहेंस हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस यूज बाय एडवांस टेक्नोलॉजी, तो ये इस बार की आपकी 2020 की थीम थी। किस भारतीय अमेरिका को अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है। तो किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है, तो वो किया गया आपका सीमा वर्मा को। तो ये आपने इम्पोर्टेंट याद रखना है। इसकी मैं इमेज दिखा देता हूँ आपको, तो ये देख सकते हैं आप, इंडियन अमेरिकन सीमा वर्मा अपॉइंटेड एज अ की मेंबर ऑफ US COVID-19 टास्क फोर्स। तो ये देखिए आप इमेज में, यहाँ देख सकते हैं आप, ये है आपकी सीमा वर्मा। इन्हें क्या है आपका US में जो कोरोना वायरस टास्क फोर्स का मेंबर चुना गया है। हाल ही में दरवाजे पर डीजल पहुँचाने के लिए फ्यूल हम सफ़र ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। जो हाल ही में जो फ्यूल हम सफ़र ऐप है एक लॉन्च किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया, श्रम एवं रोजगार जो राज्य मंत्री है संतोष गंगवार द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, जिसमें एक ऐप है जिसका नाम है फ्यूल हम सफ़र ऐप, को आपने क्या है डाउनलोड करना है। उसके द्वारा आपको क्या है जो सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो आपके डीजल को है दरवाजे तक पहुँचाया जाएगा। ये जो स्पेशल जोन है उनके लिए रहेंगे, जैसे कि आपके हॉस्पिटल हो गए और जो आपकी सिटीज़ होगी और जो आपकी सोसाइटी वगैरह है, एक निश्चित एरिया में ये पहुंचाई जाएगी। किसके द्वारा लॉन्च की गई ये ऐप, ये की गई आपके संतोष गंगवार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किस राज्य में विधानसभा में ई विधानसभा प्रक्रिया लागू की गई है। तो ये की गई आपकी जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश ने क्या है ई विधानसभा प्रक्रिया लागू की है हाल ही में। तो ये किसने की है, ये की आपकी अरुणाचल प्रदेश ने। हाल ही में किस टीम ने महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता है। तो ये किसने जीता है, ये आपका जो इस बार का जो महिला विश्व कप खिताब जीता है वो जीता है आपका ऑस्ट्रेलिया ने। और किसको हरा कर जीता है, तो भारत को हरा कर आपका ऑस्ट्रेलिया ने 2020 का T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। 5वें बिस्मटेक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। जो 5वां बिस्मटेक शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो ये आपका श्रीलंका करेगा। इसके अलावा बात की जाए जो आपका बिस्मटेक है इसकी जो फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी आपकी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके अलावा अगर बात की जाए जो बिस्मटेक में कौन कौन से देश है, तो ये भी एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए जो आपके कौन कौन से देश है बिस्मटेक में, यह आएगा आपके बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और आपका श्रीलंका। तो ये आपकी कंट्रीज बिस्मटेक की मेंबर है, तो आपने याद रखना है। हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो जो हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गए हैं, वो बन गए आपके किरण पोलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में हाल ही में पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है गुलमर्ग में। गुलमर्ग कहाँ है आपके, जम्मू कश्मीर में। जाहिर सी बात है अगर विंटर गेम्स है तो विंटर गेम्स कहाँ होंगे आपके, जहाँ पे आपका ठंडा एरिया है। तो ये कहाँ किया जा रहा है, गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज यानी सरेक्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, ये किया गया आपके गोवा में। अगर बात की जाए तो ये कौन सा संस्करण था, तो ये इस बार 9वां संस्करण था। BCCI चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से बता देते हैं आपको याद होगा, जो आपके सुनील जोशी है वो आपके BCCI के नए अध्यक्ष बन गए। इसके अलावा अगर बात की जाए जो अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष है आपके सौरभ गांगुली, ये मैंने आपको बताया। उपाध्यक्ष की बात भी कर लेते हैं, उपाध्यक्ष आपके वहीम वर्मा। BCCI की चयन समिति के अध्यक्ष बने हैं आपके सुनील जोशी, याद रखना है।
और जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है आपके सौरभ गांगुली। बीसीसीआई कब बना है, तो बीसीसीआई बना था आपका 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं अब आपको जो इमेज वगैरह है वो कम ही दिखाऊंगा, इससे वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, तो जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, रखा गया है, रखा जाएगा, तो वो रखा जाएगा आपका महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर, इसका नाम रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब के ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो आपने याद रखना है जो इसमें पहला शब्द आ जाता है वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो ये कौन बने हैं आपके, जो MF यूसेफ है, तो आपके पहले भारतीय बन गए हैं सऊदी अरब के ग्रीन कार्ड पाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने याद रखना है, तो भारत के जो नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं तो वो कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके विमल जुल्का। चलिए नेक्स्ट देख लेते, दुनिया के सबसे बुजुर्ग चितस्टु वतनबे का निधन हो गया है, वे किस देश के थे, तो वो किस देश के थे आपके, जापान देश के थे। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है, सबसे पहली बात तो आपने याद रखना है किस देश के थे, ये आपके जापान के थे। इसके अलावा आपने याद रखना है कि उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था आपका चितस्टु वतनबे, तो आपने ये याद रखना है, नाम भी आपने याद रखना है और आपने उसके देश का नाम भी याद रखना है। चलिए जी अगला क्वेश्चन है आपके पास, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है, तो जो इस माह जो विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, वो दिया गया आपका जाधव पायेंग, तो आपने ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आप, किस राज्य की सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम RS पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा की है, जो स्मार्ट ग्राम योजना का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, तो ये की है आपकी RS पाटिल के नाम पर, तो किस राज्य सरकार ने, तो ये आपकी महाराष्ट्र की सरकार ने की है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपके पास, मोर टुगेदर नामक अभियान किसने शुरू किया है, जो मोर टुगेदर नामक अभियान किसने शुरू किया है, तो ये आपका जो फेसबुक है, फेसबुक ने आपका मोर टुगेदर अभियान शुरू किया गया। अगर बात की जाए फेसबुक की, फेसबुक की स्थापना कब हुई आपकी 2004 में, जो इसके CEO है मार्क जुकरबर्ग है, तो आपने ये भी इम्पोर्टेंट याद रखना है। भारत के नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भारत के जो नए वित्त सचिव है कौन नियुक्त हुए हैं हाल ही में, तो वो हुए आपके अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट है आपके पास, टाइम ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है, तो ये किया गया आपकी जो PV सिंधु है, PV सिंधु को आपको टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के जो टाइटल से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में नमस्ते ओरछा महोत्सव शुरू हुआ है, तो किस राज्य में शुरू हुआ है, ये हुआ आपका मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंद महासागर के आयोग के पर्यवेक्षक के रूप में किस देश को चुना गया है, जो हिंद महासागर के आयोग के पर्यवेक्षक के रूप में किस देश को, यानी पांचवें पर्यवेक्षक के रूप में, आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि कौन से पर्यवेक्षक, जो पांचवें पर्यवेक्षक के रूप में चुना गया है वो चुना गया है आपके भारत को। इसके अलावा जो चार पर्यवेक्षक और कौन कौन से हैं, तो वो है आपके पास चीन, यूरोपियन यूनियन और माल्टा और OIF। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किसने हाल ही में कोरोना स्टडी सीरीज लॉन्च की है, जो कोरोना स्टडी सीरीज किसने लॉन्च की है, ये की है आपकी NBT ने। अगर NBT के फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल बुक ट्रस्ट। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। कब हुई थी, 1957 में, तो याद रखना। कोरोना स्टडी सीरीज लॉन्च की है किसने, की है ये की है आपकी NBT ने, तो ये आपने याद रखना है। किसने COVID-19 के लिए 24/7 राष्ट्रीय हेल्पलाइन केंद्र का शुभारंभ किया है, तो किसने किया है, जो आपके स्वास्थ्य मंत्री है, कौन है आपके, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आपके डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है। इन्होंने आपकी जो COVID-19 के लिए 24/7 राष्ट्रीय हेल्पलाइन केंद्र का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के लिए टीम 11 का गठन किया है, तो किस राज्य सरकार ने किया है, तो ये आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपका टीम 11 का गठन किया है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है, किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है, तो ये की है आपकी ICICI बैंक, तो आपने इसको याद रखना है। अगर आपसे ICICI की फुल फॉर्म पूछी जाए, तो ये है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो
तो ये भी आपने याद रखना, ICICI बैंक की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना के कारण निधन हो गया है? तो आपने याद रखना है, पहले आपने नाम याद रखना है, नाम क्या है आपका, मारिया टेरेसा, तो ये आपने नाम याद रखना है। इसके अलावा आपने क्या याद रखना है कि ये किस देश से थी, तो ये थी आपकी स्पेन से, तो इसका आपने नाम याद रखना है। चलिए जी, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने COVID-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते अभियान शुरू किया है? जो आपका COVID-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते अभियान किसने शुरू किया है, तो जो आपकी इंडियन आर्मी है, आपको पता है कि वो समय समय पर कोई ना कोई अभियान चलाती रहती है, तो इस बार जो आपकी जो इंडियन आर्मी ने एक अभियान लॉन्च किया है, तो वो किया है आपका ऑपरेशन नमस्ते। तो किसने लॉन्च किया है, ये किया मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि आपके क्या है, थल सेना के प्रमुख है, तो ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमित लोगों को लोकेशन ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए एक जो ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप का नाम है आपका कोरोना कवच। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपके पास, किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को कोरोना लॉकडाउन के समय अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ी है? तो भारत की जो ई कॉमर्स कंपनी है, जो आपकी है फ्लिपकार्ट को क्या है, जो लॉकडाउन के कारण अपनी उसने जो है सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद कर दी। अगर बात की जाए फ्लिपकार्ट की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी जो इस्टेब्लिश किया गया था इसको 2007 में, तो ये भी आपने याद रखना है। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपके पास, काबुल में स्थित गुरुद्वारे पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेवारी किस संगठन ने ली है? जो काबुल आपकी अफगानिस्तान में है, ठीक है, तो इसमें जो गुरुद्वारे पर एक आतंकी हमला हुआ है अभी हाल ही में, तो उसकी जिम्मेवारी किस संगठन ने ली है? तो ये ली है आपकी जो इस्लामिक स्टेट है, उसने इस हमले की जिम्मेवारी ली है। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है आपके पास, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जो आपकी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो इस देश का नाम आपने याद रखना है, ये किया जाएगा आपका फ्रांस में, जो समर ओलंपिक होने वाले 2024 में कहाँ होंगे, ये हो गया आपके फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला देश का राज्य कौन बन गया है? तो जो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो देश का जो पहला राज्य बन गया है, ये बन गया है आपका राजस्थान, तो ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड, जो कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, उसके ऊपर एक मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, जो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा है, तो आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आप चाहें तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है पंजाब। अब आपने याद रखना है कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान, और जी कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा, पंजाब, और महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा। तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसी कारण मैंने ये क्वेश्चन आपके एक साथ लिखे, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। लॉकडाउन करने वाला पहला देश का राज्य कौन सा बना है, राजस्थान, और कर्फ्यू लगाने वाला राज्य पंजाब, और महामारी घोषित करने वाला राज्य कौन सा बना है आपका, हरियाणा, तो आपने याद रखना है। हाल ही में पुलिस की टेसर गन सौंपने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? जो पुलिस को टेसर गन सौंपने वाला पहला राज्य कौन सा बना है देश का, तो वो बना है आपका गुजरात, तो ये भी आपने याद रखना है। भारतीय तटरक्षक बल की उपनिदेशक बनने वाली पहली महिला कौन है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भारतीय तटरक्षक बल है उसकी जो उपनिदेशक बनी है पहली महिला कौन बनी है, तो ये बनी है आपकी नूपुर कुलश्रेष्ठ। इसकी मैं इमेज दिखा देता हूँ आपको, तो ये है आपकी नूपुर कुलक्षेत्र, जो इंडियन कोस्ट गार्ड की फर्स्ट वुमेन DIG बनी है, तो ये कौन बनी है आपकी, नूपुर कुलक्षेत्र। तो आपने ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पक्का आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कौन सा राज्य है शीर्ष पर, यह है आपका गुजरात राज्य। अगर सेकेंड नंबर की बात की जाए, तो सेकेंड नंबर पर आपका कौन सा है, तो यह है आपका महाराष्ट्र। अगर बात की जाए जो ये सोलर रूफटॉप क्या होता है, तो मैं दिखाता हूँ आपको क्या होता है, कईयों को क्लियर है कुछ को नहीं है, वो एक बार इमेज देख के आपका क्लियर हो जाए। तो ये है आपकी इमेज, ये इमेज छत के ऊपर जो आपके सोलर पैनल लगे हैं, तो ये है आपका, आई होप आपको इस इमेज से क्लियर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? तो कौन बनी है, ये बनी है आपकी शिपाली वर्मा। तो ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व कप का फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? शिपाली वर्मा। यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये आपकी शिपाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किसे विश्व में सर्वकालिक सबसे महान नेता के रूप में चुना गया है? तो जो किससे चुना गया है, ये आपके जो महाराणा रणजीत सिंह है, इन्हें क्या है आपका सर्वकालिक सबसे महान नेता के रूप में चुना गया है। अगर बात की जाए, ये एक सर्वेक्षण कराया गया था, तो इस सर्वेक्षण किसने करवाया था, तो आपकी जी BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन ने एक सर्वेक्षण करवाया था। उस सर्वेक्षण में ये पाया गया जो महाराणा रणजीत सिंह है वो आपके विश्व में सर्वकालिक सबसे महान नेता हैं। तो इन्हें कितने परसेंट रेटिंग मिली थी, 38%, ये भी आप याद रख सकते। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक पशु संरक्षण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये वो आपका सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के कारण जागरूकता फैलाने के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो ये की है आपकी, ये है आपकी कोवा पंजाब। मैंने आपको इमेज दिखा दी है, आपने प्ले स्टोर में जाकर अगर आप पंजाब से हैं तो आप इस ऐप को क्या है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये कोवा पंजाब के नाम से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये ऐप लॉन्च की है। जो इस ऐप का उद्देश्य है, जो आपके COVID-19 है उससे जो आपके जितने भी इम्पोर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन देना और जो लोगों को जागरूक करने का काम इस ऐप के द्वारा किया जाएगा, और इसमें आपके जितनी भी हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन डिटेल आपकी इस ऐप में मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आज के इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कितनी महिलाओं को किया है, ये किया है आपका 15 महिलाओं को। कब किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। अब आपसे बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। तो आप याद करके चलिएगा। इसके अलावा बात करें, जो इस बार का जो इंटरनेशनल वुमेन डे है, इस बार की जो थीम क्या है, इस बार की जो थीम रही थी आपकी 2020 की, वो क्या थी, आई एम जनरेशन ऑफ इक्विटी रियलाइजिंग वुमेन राइट्स। तो आपने याद रखना, आई एम जनरेशन ऑफ इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन एंड राइट्स। तो ये इस बार आपकी 2020 की 8 मार्च को जो आपका इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया है उसकी थीम रही थी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। फ्रेंड्स, जो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये मेरे अपने नोट्स हैं, तो ये मैं स्पेशल आपके लिए लेके आया था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं आने वाली वीडियो के लिए, ताकि जो आपके है समस्या का समाधान मैं अगली वीडियो में कर पाऊँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।